वेलकम बैक। हम बात करते हैं रिजवान से उनकी वेबसाइट के बारे में। रिजवान, आई वांट टू नो कि आपके मेन फीचर्स होते हैं ना, मेन जार्गन, मेन फीचर्स क्या हैं वेबसाइट के? मेन फीचर्स बेसिकली ये हमारे पास सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे हम लोगों ने डिक्शनरी को रखा हुआ। अच्छा, जो इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी है अब तक का लार्जेस्ट डेटा ऑन वेबसाइट। जिसमें कोई ट्रांसलेशन भी है? ट्रांसलेशन नहीं, अभी डिक्शनरी हम लोगों ने लॉन्च की है, प्लस हम लोग अभी जो हम लोग का नेक्स्ट प्लान है विद इन अ वीक हम लोग मल्टीलिंगुअल जो है वो ऐड कर रहे हैं, लाइक अरबी टू उर्दू, स्पेनिश टू उर्दू, जो कि आपको वेबसाइट्स पे कहीं भी नहीं मिलेगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी, इंग्लिश डिक्शनरी मिल जाएगी, स्पेनिश टू इंग्लिश। उर्दू को लेकिन फॉरवर्ड करने के लिए अभी तक कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है। सो व्हाट यू हैव इन प्लान्स, व्हाट प्लान्स यू हैव इन नेक्स्ट फ्यूचर, वेयर यू सी योर वेबसाइट इन नेक्स्ट 2 इयर्स, 5 इयर्स? देखिए, अभी अगर मैं सिर्फ इन बेसिक फीचर्स की बात करूं जो हमारे पास है, लाइक क्रिकेट हो गया, नाथ हो गया, इस्लामिक नेम्स, लाइक हमारे पास लार्जेस्ट डेटा ऑफ इस्लामिक नेम्स, ओके, प्लस अब हम लोगों ने एक रिसेंटली एक लॉन्च किया है माई रिपोर्ट के नाम से, पब्लिक जर्नलिज्म। अच्छा, मैंने कोई इवेंट देखा, मैंने उसको शूट कर लिया, मोबाइल पे कैमरास अब हर किसी के पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको मैंने शूट कर लिया, मेरे पास अपलोड कर दिया हमारे पास, हमारी साइट पे, सो एनीबडी कैन कम एंड सी इट। हां, तो अब सबसे वापस लाऊंगी आपको वो एडवर्टाइजिंग की बात पे कि आपने कहा था कि गूगल एड्स आपके पास है। अब आपने ये ब्रिज मेंशन किया था कि हमेशा थर्ड पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, दूसरे लोगों के लिए जो वेबसाइट्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक तो ये जरूरी बात है कि थर्ड पार्टी हमेशा इन्वॉल्व होनी चाहिए? आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं होते क्लाइंट से जो आपको कहते हैं कि स्पॉन्सर? नहीं, अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल में हमारा बेनिफिट है, राइट, एक मतलब जो इनिशियल स्टेप ले रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। रीजन, उनके पास डायरेक्टली एडवर्टाइजर्स के पास नहीं जाना पड़ता, उनको एक ब्रिज मिल जाती है। बट हम लोग जो एक मेच्योर पोजीशन पे आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा ये कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हमें डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती, वो एक थर्ड पार्टी को देती हैं, उन थर्ड पार्टी के पास से हमारे पास वो एड्स डिस्प्ले होते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली अबाउट 70% जो बीच का पैसा है वो उनके पास जा रहा होता है, जो कि इंटरनेशनल कंपनीज है, मतलब पाकिस्तान का पैसा बाहर जा रहा है, फिर उसके बाद उसका 30% हमारे पास। उसकी भी कोई रीजन होगी कि वो क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे? इश्यूज यहाँ पे टेक्निकल हैंडलिंग नहीं है, हैंडलिंग नहीं है, वो कहते हैं कि हम लोग हैंडल नहीं कर सकते और ये सारी चीजें। एक और सवाल पूछूंगी आपसे, अगेन फॉर व्यूअर्स जो अपनी वेबसाइट खोलने की कोशिश करें, एक्चुअली इवन आई वुड लाइक टू नो, अगर आप वेबसाइट खोलते हैं, बेशक एक कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट ना हो या आपकी तरह ना हो, ऐसी कौन सी कंटेंट है या कौन सी फ्रेज है या कौन सा एक टॉपिक है जो आपको पता है अगर आप पेज खोलें तो फौरन वो व्यूअर को पकड़ लेगा? देखिए, इट डिपेंड्स, हर किसी की नीड अलग है, हर कोई अलग चीज चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मसलन अगर आपने क्रिकेट की बात किया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्रिकेट की वेबसाइट खोली गई, अब आपको हर काम के लिए एक टीम चाहिए। इंडिविजुअली आदमी कर सकता है, ये नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन आपको पीछे टीम चाहिए। क्रिकेट अपडेशन के लिए आपको टीम चाहिए, एक बंदा बैठ के अगर एक ही टाइम पे 5 मैचेस चल रहे हैं, मैं अपडेट नहीं कर सकता अकेले, ठीक है, मुझे एक टीम चाहिए उसके लिए पीछे बैठी, ठीक। आप करें, लेकिन ऐसी चीजें करें जो आपके लिए करने भी आसान हो और यूजर के लिए भी अट्रैक्टिव हो। लाइक मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी कि मोबाइल एक खुद बजाते खुद बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स उठा लिए, आपने वॉलपेपर्स उठा लिए, आपने एसएमएस मैसेजेस उठा लिए जो कि सबसे आसान है आजकल, आपने उठा लिया, आपने उस पर गूगल एड्स डिस्प्ले किए, गूगल एड्स के थ्रू आप अब उसकी पहले प्रॉपर मार्केटिंग करें। मार्केटिंग प्रॉपर अब बहुत आसान हो गई है, मैंने आपको बताया, आपने अपने किसी दोस्त को बताया, वहां से आगे पता चला फेसबुक, तो और मैसेजेस हैं, एसएमएस है, वर्ड ऑफ माउथ से या इस तरह होती है। देखें, डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग बैनर एडवर्टाइजमेंट, अगर हम लोग गूगल एड्स हमारे पास डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम लोग गूगल एड्स पे अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, प्लस हम लोगों ने इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया, लाइक आईटीसीएन हो गया, एक्सपो पाकिस्तान हो गया, डॉन लाइफस्टाइल हो गया, बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स थे जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो क्या आपने हिट्स लेके फॉर एग्जांपल रेटिंग हासिल की है, वेब ऑप्टिमाइजेशन थी इसमें थोड़ी बहुत? हमारे पास हम लोग की सबसे बड़ी एक्सपर्टीज जो हमारी कंपनी की है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लाइक गूगल पे आप कुछ भी लिख के सर्च करते हैं, मैं अगर बात करूं इस्लामिक नेम लिख के आप गूगल पे सर्च करें, हमारी वेब सेकंड या थर्ड नंबर पे, ठीक है, इस तरह से हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा मतलब समझ लो की फीचर हमारा यही है। सो वेयर डू यू अपडेट ऑल दैट, वेयर हैव यू कलेक्टेड दिस? वी हैव डेटा राइटर्स, वी हैव कंटेंट राइटर्स, हमारे पास फ्रीलांसर्स हैं, अच्छा, प्लस हमारे पास जेन्युइन राइटर्स हैं जो सिर्फ एक उनके पास लिखने की सलाहियत तो है मगर प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। अब आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, हमेशा पूछते हैं लोगों से जो इंटरव्यूज पे आते हैं कि आपकी फेवरेट वेबसाइट कौन सी और आप कौन सी वेबसाइट लोगों को रेकमेंड करेंगे आपकी वेबसाइट से अलावा? हाँ,
I would say Google. You would say Google. Google. Google तो अब थोड़ी सी obvious बात होगी ना, जाहिर है Google तो सबको ही पता है। Google की अगर आप branches ही निकाल लें तो इतनी सारी चीजें निकल जाती हैं, like YouTube हो गया, Orkut हो गया। But then Google you would call a search engine. I'm talking about a specific website. अगर कोई मजे की कोई website है आपको पाकिस्तान में लगती है कि interesting है आपकी website से रहा। Which is good. I mean, which is good. About Pakistan. You don't think anything is better than your website? No. Okay. All right, then that's his answer. Mr. Rizwan's favorite website is hamariweb.com. Thank you so much for being on our show. Thank you. It's a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you so much for watching our show. I hope you liked it. And yes. Interesting, interesting little news. पहले जाने से पहले पिछले हफ्ते हमने आपको सवाल पूछा था, जाहिर है. अब इस हफ्ते हमें बहुत बहुत सारे replies और emails आए हैं. मगर जाहिर है सिर्फ पांच लोग prize जीत सकते थे और उनके नाम ये हैं. This week, I'm sure आपने question देख लिया होगा. Please don't forget to email us and send us your replies or questions, queries, कोई भी चीज़ आप जानना चाहें. It is cad@arj.tv. I'll repeat cad@arj.tv. Don't forget to email us because the prizes are waiting really for you. Good. So keep it safe. No viruses. Good night. Bye bye.